नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके। जो नोट वो खुद ही लेकर के आए थे, खुद ही उसको बंद कर दिए कि भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा में नहीं है तब तक तो उस पे कार्रवाई होती है। ज्यों ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो धुल करके साफ हो जाता है भाजपा के वॉशिंग मशीन में। यूपीए की जब सरकार थी 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डिगामा चुन लिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए, आपको पहले से यह बात पता है, कुछ चीजें आपके स्मरण में दोबारा लाना चाहता हूं। मैं कुछ वादे जो प्रधानमंत्री जी ने इस देश से किए थे, तब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उन वादों को याद दिलाना चाहता हूं, उनको दोहराना चाहता हूं। ये हमने नहीं कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 100 दिन में काला धन वापस लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महंगाई को कम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। इस लिहाज से 9 साल हुए हैं तो लोगों को 18 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों की आमदनी को दुगुना करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक, ये 2023 है, इस देश में सभी लोगों के पास अपना खुद का पक्का मकान होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब महिलाओं पे कोई अत्याचार नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और अच्छे दिन आएंगे। मैं तो कहता हूं कि अच्छे दिन भले ना आए हों, लेकिन यह जो झूठे दिन और झूठे सपने दिखाए गए थे, अब उसके 1 साल ही बचे हैं। मैं 9 साल को इस रूप में भी देख रहा हूं कि अब उसके 1 साल ही बचे हैं। यह जो झूठ, लूट, नफरत, हिंसा, समाज का धर्म और जाति के नाम पे बंटवारा, इसके अब 1 साल ही बचे हैं। जो नोट वो खुद ही लेकर के आए थे, खुद ही उसको बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा था कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, लेकिन उसकी स्थिति क्या है कि भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा में नहीं है तब तक तो उस पर कार्रवाई होती है। ज्यों ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो धुल करके साफ हो जाता है भाजपा के वॉशिंग मशीन में। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ईडी उसका पता भूल जाता है, सीबीआई उसका घर जाना बंद कर देता है, पुलिस उससे पूछताछ करना बंद कर देती है। भाजपा को यह लगने लगा है कि अदानी का विकास देश का विकास है। भाजपा को यह लगने लगा है कि देश के नाम पर देश की संपत्ति दोस्त को जो है औने पौने दाम में बेच देना है। सवाल यह है कि अगर दावा कर रहे हैं देश के गृह मंत्री कि देश आर्थिक रूप से खुशहाल हुआ है, किसानों की तरक्की हुई है, किसानों की आमदनी दुगुनी हुई है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो देश के गृह मंत्री ने अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाया? किसान बना देते। अगर किसान इतना खुशहाल हो गया है तो इस देश के मंत्री अपने बच्चों को किसान क्यों नहीं बना देते हैं? हकीकत यह है कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। 45 साल में बेरोजगारी अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई लगभग दोगुनी हो गई है। यूपीए की जब सरकार थी 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, लोगों की आमदनी घटी है और देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाया जा रहा है। 9 साल नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहां सवाल पूछेंगे? वो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को नहीं, एक्टर को इंटरव्यू देते हैं और के बताते हैं कि आम कैसे खाते हैं। अरे आप आम कैसे भी खाते हो, आप ये बताइए कि हम खाना कैसे खाएं? आप क्या पहनते हैं, कितने घंटे सोते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? आप ये बताइए कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कैसे हो गई? आप ये बताइए कि महंगाई लगभग दोगुनी कैसे हो गई है? आज इन्फ्लेशन रेट का डेटा दिखा रहे थे भाजपा के एक मंत्री साहब। एक तो उनको देख करके हमको हंसी आती है क्योंकि उनकी पूरी सरकार इस विधा पे चल रही है, तमेव माता पिता तुमेव, तमेव बंधु सखा तुमेव। मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है,
वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेने लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश में, देश का डंका विदेश में बज रहा है, तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है? कौन है विदेश मंत्री? लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डिगामा चुन लिया है, यह सवाल तो पूछना चाहिए ना। और आज आप कहीं भी बीजेपी के लोगों से बात करके देख लीजिए, आप जो ही रोजी रोटी की बात करेंगे, जो ही आप रोजगार की बात करेंगे, जो ही आप महंगाई की बात करेंगे, तो जानते हैं क्या कहेंगे? तो महंगाई कम करना प्रधानमंत्री का काम है, रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम है। तो रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम नहीं है तो बिजली के खंभे का उद्घाटन करना भी प्रधानमंत्री का काम नहीं है, वो काम विद्युत मंत्री का है। रेल का उद्घाटन करना रेल मंत्री का काम है, विदेश जाना विदेश मंत्री का काम है, वित्त पे कानून बनाना वित्त मंत्री का काम है, और कानून पे, व्यवस्था पे बात करना कानून मंत्री का काम है। अर्थव्यवस्था की बात हमने आपको बताई, कृषि और किसान की बात हमने आपको बताई, भ्रष्टाचार और मित्रवाद की बात हमने आपको बताई। यह कैसे संभव है भाई साहब कि देश जब गरीब हो रहा है, देश की 80% लोगों की आमदनी जब कम हो रही है, तो एक दो लोगों की आमदनी दिन दुगुनी रात चौगुनी कैसे बढ़ रही है? उसका कारण यह है कि ये किसानों से खाद पे जीएसटी लेना चाहते हैं, लेकिन अपने दोस्त ने को जो एयरपोर्ट दे दिया है उस पर उनको जीएसटी में माफी दे देते हैं। कहते हैं ना, सैया भय कुतवाल तो अब डर काहे का। जब दोस्त ही देश का प्रधानमंत्री हो और उसके विमान पे जब ये विचरण करते हो, तो प्रधानमंत्री जब है दोस्त तो हर किस कोई चीज उसी को मिलेगा। अगर आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो उसकी हकीकत आप देख लीजिए क्या है। प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त अचानक से ओबीसी हो जाते हैं, अपने भाषण में जाकर के बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं। हे गुरुजी, अगर आप ओबीसी समाज से हैं तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? जो जाति जनगणना हुई थी 2011 में, आप उसके रिपोर्ट को क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे हैं? जो जनगणना 10 साल में होनी थी, जाति जनगणना तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य जनगणना थी वो भी आप नहीं करवा रहे हैं। और जब आप ही कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है, सब कुछ आसान हो गया है, पेमेंट आसान हो गया है, तो काउंटिंग आसान नहीं हो गया है? अब कैलकुलेटर अलग से लेके थोड़ी घूमना पड़ता है, मोबाइल में कैलकुलेटर है घड़ी की तरह। जब सब कुछ टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है तो आप जाति का जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हर क्षेत्र में, समाज में रहने वाले जितने लोग हैं उतने लोगों को अनुपात के आधार पे उनके उनकी उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, तुम्हें माता तुम्हें पिता, इसी आधार पे जो यह सरकार चल रही है कि मतलब हम ही हम हैं। और कल तो मुझे इस बात को देख करके इतनी चिंता भी हुई और हंसी भी आया, प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील किया, माय पार्लियामेंट माय प्राइड। यहां भी ये माय को आवर नहीं बना पाए। जो व्यक्तिवादी विचारधारा के शिकार हैं, जिनको एक व्यक्ति में ही सब कुछ दिखाई देता है, वो कभी भी मैं से ऊपर उठ करके हम की बात नहीं कर सकते। कह देते ना, हम हमारी संसद हमारा अभिमान, वहां उन्होंने कहा मेरी संसद मेरा अभिमान। लग रहा है वो पौती है देश इनका।